हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो मैम, आज हम लोग लेकर के आए इनके लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब इससे पहले के जो प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट थी वो हम लोग पूरी करा चुके हैं। यस सर। और इसके पहले वाली यूनिट्स भी। यस सर। तो आज हम लोग यहाँ से एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो याद रखिएगा, एनिमल फिजियो में आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा कट हो चुका है। जैसे कि हम लोग ने वहां पे बात करी थी वेटेज की, कि ट्रांसपोर्ट और मिनरल हटाए, तो इसका मतलब वेटेज सबसे ज्यादा जाएगा पीजीआर में। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब आपका डाइजेशन हटाए तो उसका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सर वहां पे बहुत ज्यादा एंजाइम्स थे और हॉर्मोन्स थे, पूछे बहुत जाते थे, तो उसका भी वेटेज अब थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में सबसे ज्यादा जाएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो सर स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो टोटल पैराग्राफ मैम लेकर के आएंगे 14, और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 20 क्वेश्चंस। तो सर वेटेज देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2020 दो पूछे गए थे, 21 में भी दो पूछे गए थे, 22 में भी दो पूछे गए थे, और 23 में इसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब इस साल इसमें दो से तीन क्वेश्चन बनेंगे। पिरामिड हर चैप्टर में बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, बस आपको फोकस रखना है इन पेजेस पे, लेकिन पढ़ना आपको पूरा है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। तो प्लूरल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये इनर लाइनिंग जो होगी वो लंग सरफेस से चिपकी हुई होगी और आउटर जो होगी वो बोनी केस से। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्टल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एक्सटर्नल नॉस्टल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये क्या बनाते हैं, ये कंडक्टिंग पार्ट, ये सिर्फ कंडक्शन करेगा, मतलब टेम्परेचर उसका रेगुलेट करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स वगैरह को रिमूव करेगा। वेयर इज द एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स, ये दूसरा यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। मतलब जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होगा वो कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स में, और कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल नॉस्टल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। यस सर। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि प्लूरल मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन होती है, कौन सा पार्ट कंडक्टिंग पार्ट है और कौन सा पार्ट रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। तो यहाँ पे सर ने पूरा डिफाइन कर दिया, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। फंक्शन आपको बताना है कि कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें से। तो इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल सही आपको सर ने अभी बताया है कि ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, उसको अपने टेम्परेचर पे लेके आता है, बॉडी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, बॉडी टेम्परेचर पे। गैसियस पार्टिकल को ठंडा करता है या फिर गर्म करता है, ज़्यादा गर्म है तो ठंडा कर देगा, ज़्यादा ठंडी है तो थोड़ा सा गर्म कर देगा। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये गलत है। ये किस पार्ट का फंक्शन है आपका, रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट का। तो ये जो पार्ट है, ये जो स्टेटमेंट, ये आपकी गलत स्टेटमेंट, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डायफ्राम की बात की गई है। डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, और इंटरकॉस्टल में भी ध्यान रखना है एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल, दो तरीके की मसल्स हैं, और जिसमें से जो इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो मेनली इंस्पायरेटरी मसल कौन हुआ, डायफ्राम, और इसके बाद इंस्पायरेशन में कौन सा हेल्प करेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स मतलब डिफरेंस, प्रेशर जो डिफरेंस क्रिएट होगा। yes, ये इंट्रापल्मोनरी हो गया एरिया, ये ट्रैकिया के थ्रू आउटसाइड, ये एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ पर जब एटमॉस्फेरिक एयर और जो इंट्रापल्मोनरी एयर जो है इसमें जब डिफरेंस होगा तब एयर का मूवमेंट होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो नो मूवमेंट, तो अगर यहाँ का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इंस्पायरेशन इनहेलेशन में हेल्प करेगा। और ये वॉल्यूम प्रेशर कम कैसे किया जाता है, ये वॉल्यूम बढ़ा करके। ये वॉल्यूम कौन सा, ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में जो डायफ्राम बढ़ाता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये हमारे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में डायमीटर को बढ़ाते हैं, या कहा जाए कि वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ कम हो गया, बाहर का ज्यादा है,
तो ये इनहेलेशन में हेल्प करेगा, वही यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ समझाई गई है। और यहाँ पे भी पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि सर ने बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, इनिशिएट कैसे होता है तो याद रखना इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। सर वैसे तो डायाफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप जी, डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब इंस्पायरेशन करना होता है, बॉडी इंस्पायरेशन करती है, इनहेलेशन करती है, तो वो डोम शेप्ड ना होके वो कैसा हो जाता है, खिंच के फ्लैट हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अभी आपको सर ने अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज, स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब रिब्स के बीच में जो है, यस सर, अगर ये स्टर्नम मान लिया जाए और ये पीछे यहाँ पे वर्टिब्री दिए हुए हैं, तो इनके बीच में वर्टिब्री और स्टर्नम के बीच में रिब्स, और इसके बीच में जो मसल्स होंगे इनको बोला जाएगा इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अपनी ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से स्टर्नम क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और बाहर की तरफ उठेगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो इसी वजह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि सर ने बताया वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर कैसा हो जाता है, एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, इस वजह से बाहर की हवा अंदर आ जाती है, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। और इसी का रिवर्स प्रोसेस है आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जितनी भी मसल कॉन्ट्रैक्ट की थी वो सब क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, मतलब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करी थी तो फ्लैट हो गई थी, अब ये रिलैक्स करेगी तो कैसी हो जाएगी, वापस से डोम शेप, और स्टर्नम अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। और ये भी याद रखना है कि एक्सपायरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ होगी, लंग्स से बाहर की तरफ। तो ये दोनों प्रोसेस अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। तो इंस्पायरेशन कैसा हुआ, एक्टिव प्रोसेस, यस सर, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, रिलैक्सेशन, तो ये कैसा हो गया, पैसिव प्रोसेस एक्सपायरेशन। नॉर्मली अगर बात की जाए, अगर फोर्स्ड इनहेलेशन की बात की जाए जी, तो एक्सपायरेशन में कौन से मसल्स हेल्प करेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के वक्त कौन से करेक्ट इवेंट्स होंगे वो पूछा गया है। तो मैम ने अभी आपको बताया था इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन और इंस्पायरेशन की बात हो रही है, तो इसमें एक्सटर्नल, अगर एक्सपायरेशन फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात होती तो यहाँ पर हो जाता इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, तो यहाँ पर इंस्पायरेशन की बात है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, अगर इंस्पायरेशन की बात है तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, तभी तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, तभी बाहर से एयर अंदर सक होगी, yes, sir। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, इंक्रीज कब होता है, जब एक्सपायरेशन करना होता, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सिंपल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंस्पायरेशन होना चाहिए था। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रा पल्मोनरी, अगर एटमॉस्फेरिक यहाँ पर कम होता और अंदर वाला ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बाहर जाएगी, yes, तो एक्सपायरेशन, तो ये भी गलत हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो यही सही है, बिल्कुल सही है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी वजह से इंस्पायरेशन इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने टाइप के हैं, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसके बाद कैपेसिटीज़ हैं, वॉल्यूम्स भी है, रेसिडुअल वॉल्यूम, उसके बाद कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी,
आपकी है, उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है और टोटल लंग कैपेसिटी है। तो ये जितनी भी कैपेसिटीज और वॉल्यूम है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि मैचिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो टाइडल वॉल्यूम अगर बात की जाए, तो टाइडल वॉल्यूम सिंपली जो वॉल्यूम हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल एयर हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टाइडल वॉल्यूम। अब अगर हम इसमें फोर्स्ड इनहेलेशन करके अगर हम जो एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर सकते हैं इस तरह से, जो इनहेल कर लिया फोर्स्ड इनहेलेशन, तो ये हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब रिजर्व में जो था एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम लोग फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। और फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी जो बचा रह गया ये क्या हो गया, ये हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है सर ने कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। अब देखो टाइडल वॉल्यूम में केवल याद क्या रखना है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में 500 ml होती है, और अगर पर मिनट की बात करी जाए, ये तो पर सेकेंड हो गया, पर मिनट की बात करी जाए तो 6000 से 500 ml पर ब्रेथ। Yes, अगर एक ब्रेथ में देखा जाए तो 500 ml, और पर मिनट अगर बात की जाए तो 6000 to 8000 ml पर मिनट। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना होता है, 2500 से 3000 जी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो 1000 से 1100। और इसी के बाद अगर हम लोग बात करें रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो कितना हो जाता है बच्चा, 1100 से 1200 ml। और यही रेसिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड रेस्पिरेशन। मतलब पूरी हवा अगर हमने निकाल दी, एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम, पूरी अगर हवा हमने निकाल दी उसके बाद हम कितनी ब्रीद इन कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी। और इसमें क्या क्या आता है आपका, ERV, TV एंड IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, मतलब कितनी हवा बाहर निकाल भी सकता है आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी आपका क्या होता है, ERV, TV प्लस, और ये इंपॉर्टेंट है 2019 और 2023 में पूछा गया, और इसकी वैल्यू भी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में कि वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है। और उसके सर इसके भी दो फॉर्मूले हैं, तो दोनों फॉर्मूले कमेंट सेक्शन में इनको कमेंट करना है। और जितनी भी कैपेसिटी और वॉल्यूम उसको प्लीज 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 बार बार फोकस कर रहे हैं कि पढ़ के ही जाना। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 100 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो यहाँ पर ये जो आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको पता है नॉर्मली जो हम लोग ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम में जो हम लोग फोर्सफुली जो एक्सहेल कर रहे हैं वो क्या हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इन्हीं दोनों से मिल करके बनेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml और ये दिया हुआ है 1000 ml, तो ये कितना हो गया, 1500 ml सेकेंड आंसर जी। नेक्स्ट है मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो टाइडल वॉल्यूम अभी बताया 500 देख के चलना है, तो 500 से 550 ml वेरी कर सकता है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना था, 2500 से 3000, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो थर्ड, थर्ड के बाद, थर्ड तो दोनों में है जी। फिर उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। तो आंसर यहां से तो हम लोग को सर क्लियरली मिल गया कि बी है, लेकिन देख लेते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कितना होता है, 1000 से 1100, तो फोर्थ। रेसिडुअल वॉल्यूम आपका कितना होता है, 1100 से 1200, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहां पे बाकी दो भी ऑप्शंस मैच हो गया, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर बची रहती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह तो वही पूछा गया है यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है सर हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर दिए हुए, और ये यहाँ से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज हमारा है, मेनली दो गैसेस एक्सचेंज हमारा इन दोनों गैसेस के बीच में होना है, कौन सी साइट है, एल्वियोलाई है, मेन क्या है, एल्वियोलाई होता है, और दूसरी साइट कहाँ पे एक्सचेंज होता है, टिश्यूज में।
दो साइट हो गए हमारे पास एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है 159.3, फिर उसके बाद एल्वेलाई में कितनी हो जाती है 104.40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी 40, CO2 की हो जाएगी 45, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, ऑक्सीजनेटेड बोल दिया तो 95 and 40, और टिश्यू पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 45। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं याद रखना एकदम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि मैंने सर बताया था 2021 में पूछा गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर, तो एल्वियोलाई में पूछ रहे हैं एल्वियोलाई में कितना होता है, 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और 40 जो होगा PCO2 40 mm ऑफ HG, और यहाँ पर ये डायग्राम आपको याद रखना है जहाँ पर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर आपको पता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 और 45, 40 क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 45 क्या है PCO2, तो गैसेस का डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो 104 से ऑक्सीजन इधर आएगी ब्लड में और ये 45 से किस तरह जाएगा एल्वियोलाई में जाएगा और इसके बाद ये एक्सहेल आउट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट सर हमारे पास ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई एज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 गुना ज्यादा है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher to that of oxygen, फिर the diffusion next, फिर इसके related question, the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is, partial pressure oxygen का पूछा गया है alveoli में lungs के कितना होगा, तो ये कितना है अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 104 ये partial pressure of oxygen, और ये जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोला जाए, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40, तो यहाँ पर किधर मोर देन दैट इन द ब्लड, एल्वियोलाई में क्या हुआ एल्वियोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या 104 ज्यादा है 40 से, तो मोर देन दैट इन द ब्लड, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। The figure given below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the option which represents labeled part. तो C arterial capillary. ये arterial capillary नहीं, ये deoxygenated blood. जी. यहाँ पर enter कर रहा है. Arrow इधर की तरफ दिखाया गया, इसका मतलब इधर से oxygenated blood oxygenation के बाद बाहर जाएगा. T हो जाएगा आपका DO2, मतलब blood cells. ये cells हमारे लेके जा रहे हैं कौन सी? Deoxygenated blood. ए आपका एल्वेलाई का है, बी आपकी एंडोथीलियम है और डी क्या है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ए आपकी क्या है एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, यहीं पे अभी सर ने बताया 104 40 45 40, तो ऑक्सीजन का कितना, तो इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मोस्ट हाइलाइटेड सर, मोस्ट 2016 2021 और 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 97% किसके फॉर्म में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में और 3% जो है ये डिजॉल्व्ड स्टेट में, CO2 जो है इसके कंपेरिजन में CO2 जो क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो 7% डिजॉल्व्ड स्टेट में, 70% एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड RBC में जब आएगा तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25%, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, तो सर तीन होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है या फिर तो CO2 के साथ कर सकता है या फिर तो मोस्ट डेंजरस गैस जिसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो अभी आपने बताया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो सबसे ज्यादा अगर डेंजरस बात करें कौन सी गैस डेंजरस है तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से डेंजरस गैस जो है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तभी बोला जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के सोना नहीं चाहिए।
तो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो इसमें ये ध्यान रखना कहाँ से कहाँ पर डिलीवर हो रहा है और क्या डिलीवर करने के लिए पूछा गया है। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 5 ml। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर यहाँ पर एक्सरसाइज के वक्त पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर टू द टिश्यूज। और 4 ml जो लिखा हुआ है ये किसके लिए, ये CO2 के लिए। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यूज। दिस ऑक्सीजन एक्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज रेजेस द PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 mm ऑफ HG इज इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट 96% हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक्स एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्सरसाइज के वक्त ये बढ़ जाएगा, डिलीवरी ज्यादा हो जाती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हो, अगर आप वर्क ज्यादा करोगे तो डिलीवर ज्यादा होगा, कम कर रहे हो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही तो 5 ml ही वो डिलीवर करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में 2 alpha और 2 beta चेन्स हैं ये पता ही है, और 4 polypeptide चेन्स हो गई, और इसमें 4 heme molecules होंगे, 4 iron होंगे, और फेरस जो होगा 1 molecule ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। तो 4 ferrous हैं तो 4 molecule ऑफ ऑक्सीजन से भी कंबाइन करेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इंटरफियर विद इट्स बाइंडिंग। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किस क्या चीज, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। लेकिन इसमें इंटरफियर कौन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब हाइड्रोजन आयन की बात करें तो यहाँ पे pH भी मेन रोल प्ले करता है। एंड सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेंड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन अकर्स, परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो सिग्मॉइड आएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पहला दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अभी सर ने बताया था अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। H+ हायर H+ कंसेंट्रेशन इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लोअर H+ कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, लोअर H+ कंसेंट्रेशन होगी तो pH भी क्या हो जाएगा सर, हाई हो जाएगा। तो मतलब H+ की कंसेंट्रेशन लो, pH हाई, तो ये दो टर्म याद रखना। यहाँ पे तो दिया है H+ की कंसेंट्रेशन हाई है, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे लोअर H+ की कंसेंट्रेशन होनी चाहिए थी एल्विलाई साइट पे, तब आपका फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही, करेक्ट। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड इज राइट आंसर। Conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. तो यहाँ conditions बताई हुई हैं कि dissociation में कौन सी helpful होंगी और association में, तो इसको हम लोग graph से समझ लेते हैं। यहाँ पर graph ये जो है किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शेप कैसा है, सिग्मॉइड एस शेप कर्व है। अब अगर यहाँ पर लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें कंडीशन हमें ध्यान रखनी कि किस कंडीशन में लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा, किधर की तरफ राइट शिफ्ट होगा। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन से इस तरह से ग्राफ शिफ्ट हो गया, इस तरह से हो गया, तब यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगी, यहाँ पर ये कंडीशंस हमें मिलेंगी टिश्यू साइट पर, और ये वाली कंडीशंस हमें मिलेंगी एल्वियोलर साइट पर। तो कोई एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, बाकी अपने आप ही याद रहेंगी। टिश्यू साइट पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो CO2 वाटर के साथ जब कंबाइन करता है तो H2CO3 बनता है, और H2CO3 जो होता है ये डिसोशिएट हो जाएगा HIN+ HCO3-।
तो इसी वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो CO2 ज़्यादा, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो pH कैसा होगा, कम, और टेम्परेचर भी यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म जहाँ पर होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो मतलब तो ये कंडीशन हैं जो टिश्यू साइट पर अवेलेबल होंगी। तो सर यहाँ पे मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये साइट अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो मतलब डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और डिसोसिएशन होता है हमारे टिश्यू साइट में, और टिश्यू साइट में हम लोग को ये कंडीशन याद रखनी है, और एल्वियोलर साइट में हमारा एसोसिएशन होता है तो इसका ही जस्ट रिवर्स कर देना है। तो वहाँ पर CO2 कम होगी, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, pH ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। यस सर, तो अच्छे से ग्राफ समझ में आ गया होगा, और कंडीशंस भी देख लेना ध्यान से कि एल्वेलाई साइट पे क्या है और टिश्यू साइट पे क्या है। तो सेम टू सेम सर अभी ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए थे क्योंकि वो उससे भी रिलेटेड था, और वही क्वेश्चन सर देखिए एक ही लाइन, लाइन तो बहुत सारी है ना, लेकिन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन देखो हर लाइन से पूछा गया, ये लाइन अभी हम लोग ने वहां पे पढ़ी थी, फिर ग्राफ से रिलेटेड अभी हम लोग ने बात की हायर एच प्लस आयन, तो अभी आपने बताया कि अगर एल्विलाई की बात कर रहे हैं तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, लोअर, लोअर, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा जी, ज्यादा। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%। This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding. दोनों एक दूसरे की binding को affect करेंगे, जैसे oxygen की binding को कौन affect कर रहा था, CO2, तो CO2 की binding को कौन affect करेगा, oxygen. When PCO2 is high and PO2 is low as in tissues. Tissues क्या कर रहे हैं, metabolism कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, respiration कर रहे हैं, तो सर वो भी क्या release करेंगे, CO2, तो वहाँ पे CO2 का क्या होता है, amount ज़्यादा होता है. More binding of carbon dioxide occurs whereas when the PCO2 is low and PO2 is high as in the alveoli dissociation occurs. From carb amino takes place, CO2 which is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli. उसको कहाँ भेज दिया जाता है, alveoli के पास. RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase. और ये carbonic anhydrase आपका biomolecules में भी दिया है कि कितने times बढ़ जाता है, रेट बढ़ा देता है, तो रेट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने टाइम्स रेट इंक्रीज कर देता है. एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू. ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब एल्वेलर साइड में भी और टिश्यू साइड में भी आपका हेल्प करता है. क्वेश्चन बना है 2016 और 2020 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर यहाँ पे देखिए दिया भी है कि CO2 कैसे बाइंड करता है, तो अभी सर ने बताया था कि CO2 कैसे बाइंड करता है, CO2 बाइंड करेगा वाटर के साथ, बनाएगा H2CO3, और वो डिसोसिएट करेगा, बनाएगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस. इसी वजह से टिश्यू साइट पे आपके pH क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, pH क्या डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि H प्लस की आयन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. At tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood, RBCs and plasma and form SCO3 and H plus ion. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction. देख रहे हो, reversible sign बना है, दोनों तरफ direction proceed कर सकती है, and thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml of CO2 to the alveoli. अभी सर ने आपको बताया था 5 ml किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, 4 ml किसके लिए, CO2 के लिए, और अगर हमने विग्रस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 ml. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. Lungs में किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो CO2 जब रिलीज होगा तो ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा और ये क्या बनाएगा, H2CO3, और H2CO3 ये डिसोशिएट हो जाएगा एच आयन प्लस HCO3 माइनस. तो ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से कहाँ आ जाता है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, क्लोराइड आयन अंदर की तरफ जाता है, इसी को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना बोलते हैं. और HCO3 ये जो बाहर की तरफ आएगा
ये सोडियम से प्लाज्मा में कंबाइन करेगा और मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एस बाइकार्बोनेट आयंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एस। तो अभी जैसा कि सर ने आपको बताया कि किस फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है बच्चा, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन के लिए यहाँ पे पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स, और इसके बाद यहाँ पर मेडुला में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली इंस्पायरेशन से रिलेटेड है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसी को रेगुलेट करता है, निगेटिव इनिबिशन देगा, निगेटिव कंट्रोल करता है, इनिबिट करेगा इसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। और ये हो गया वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली इंस्पिरेशन से और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन से प्लस एक्सहेलेशन से भी, दोनों से ही। तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला में प्रेजेंट है, कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसको। और इसमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। अनदर सेंटर प्रेजेंट, दूसरा सेंटर कहाँ पे है, पॉन्स रीजन में, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को ये चेंज कर सकता है। सर अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को इन्फ्लुएंस करेंगे? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के नियर यहाँ पर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मतलब जो केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। yes, और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में जहाँ पर मेनली जो केमिकल्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच आई एन कॉन्सेंट्रेशन, इनके लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब इसी उसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी हैं जो कैरोटिड आर्ट और एओर्टिक बॉडी वहाँ पर हैं। चूँकि वो पेरिफेरल रीजन में, तो इसलिए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये चूँकि यहाँ पर है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास में है, तो इनको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। तो व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। तो फॉलोइंग, तो मेनली अभी हम लोगों ने देखा है कि मेनली कौन सा, CO2 एंड HIN कॉन्सेंट्रेशन, ये जो होते हैं ये इसको अफेक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन ये होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, चाहे बढ़े चाहे घटे, ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल है। यस सर। तो नेक्स्ट है सर हमारे पास डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स इसके सारे इंपॉर्टेंट है। तीन डिसऑर्डर दिए हैं, तीन बीमारियाँ दी हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, अस्थमा, एम्फाइसिमा एंड ORD। तो अस्थमा होता है बच्चे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियस। ईयर देखो 12, 15, 16, 19, तो 19 के बाद क्या पूछ नहीं सकता है क्या 23, 24 में? ऑफ कोर्स पूछेगा। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी को नहीं पंप लेना पड़ता है, जब तक वो सांस, मतलब अजीब सी वीजिंग इफेक्ट आता है, फिर उसके बाद जब वो पंप लेंगे अपना, तब उसके बाद उनको सांस लेने में प्रॉपर इजी रहता है। तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स लिए जाते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे, इनको डायलेट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो नैरोइंग हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी तो अगर एयर नैरो पैसेज से पास हो तो विस्लिंग साउंड सुनाई पड़ती है, तो उसी को वीजिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फाइसिमा, क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक का मतलब खतरनाक, जानलेवा, इन विच एल्वियोलर वॉल, अब इसमें मेन जहाँ पे सर एक्सचेंज हो रहा है तो वही खराब हो गया, एल्वियोलर वॉल डैमेज ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर, जो क्रोनिक मतलब जो लगातार सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स वो लगातार पी रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है उनके लंग्स अभी भी सही है, लेकिन धीमे धीमे उनकी एक एक एल्वियोलाई जा रही है, तो जैसे जैसे उनका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम आएगा उनको एकदम से अटैक पड़ेगा, एकदम से उनको पता चलेगा कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। और हर मूवी के पहले सर दिखाया जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास
ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं सर जहाँ पे मजदूर काम करते हैं तो उनको भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे खदान वगैरह में या फिर मार्बल इंडस्ट्रीज में, तो उसमें फाइन डस्ट रिलीज होती है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब ऑक्यूपेशन से जो रिलेटेड है, और इसमें कौन से हैं, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर पत्थर वत्थर तोड़े जाते हैं, तो वहाँ पर डस्ट से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या है, स्कारिंग वगैरह हो जाती है, प्रोलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। प्रिवेंशन इसका क्या है, प्रोटेक्टिव मास्क पहने, 2015-16-19 में ये पूछा गया है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जेंस एंड पॉलिटेंट्स, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दैट कॉज वीजिंग। तो वीजिंग किसकी वजह से है, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। तो अस्थमा और एम्फाइसीमा की बात हो रही, तो अस्थमा में मैम ने अभी बताया और एम्फाइसीमा भी आपको डिस्कस किया है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, और उसमें डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस हो जाता है, मतलब एल्वियोलर वॉल्स चूंकि डैमेज हो जाएंगे, तो एल्वियोलर वॉल्स डैमेज होने से रेस्पिरेटरी सर्फेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनली रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो जैसा कि सर ने आपको बताया था एस्बेस्टोसिस एंड उसके साथ साथ सिलिकोसिस, तो ये दोनों आपके कैसे हैं, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ORD 2018 में पूछा गया है। नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड कौन सा है, याद रखना इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स में दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का नाम, कुछ नहीं बताऊंगी सर उसके बारे में, क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है कि क्या चीज है, कुछ नहीं, केवल बताना उसका नाम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है वो। नेक्स्ट हमारे पास सब पूरा जितने भी टॉपिक्स थे हम लोग ने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए, जितने क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सारे PYQ हम लोग ने यहाँ पे करवा दिए हैं। तो यहाँ पे देख लो कि NLI की जो टेस्ट सीरीज है वो नीट से कितनी सिमिलर होती है, हर चैप्टर में दिखा रहे ताकि प्रूफ रहे कि हमने दिखाया था और हमने प्रूफ की है वो चीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2021 का पार्शियल प्रेशर पूछा गया था, और सारे यहाँ पे देखिए सर पार्शियल प्रेशर हम लोग ने भी अपने टेस्ट में पूछा था। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी सर पार्शियल प्रेशर से ही रिलेटेड है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग विथ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारे पास 2022 से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अभी सर ने आपको आंसर बताया था इसका 5 ml, तो यहाँ पे भी हमने पूछा था 5 ml, और यहाँ पे भी देखिए 15 ml दिया, तो जब हमने पेपर डिस्कशन कराया होगा और अगर सर ने कराया होगा तो सर ने पक्का बताया होगा कि 15 ml क्यों दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिंग नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वहां पे भी हमने पूछा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग टेक्स प्लेस बाय। नेक्स्ट है सर हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज 2023 से भी देख लेते हैं, तो मैंने जैसा कि बोला जितनी भी कैपेसिटी है और जितने भी वॉल्यूम है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाइटल कैपेसिटी सेम टू सेम सर वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है सर हमारे पास, मैंने बताया था एक क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आया था, कैपेसिटी और वॉल्यूम से, तो इस बार भी आपको कैपेसिटीज वॉल्यूम्स और जितने भी सर ट्रांसपोर्ट हैं और उसके साथ साथ डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ के ही जाने हैं, भूलना नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने कवर किए हैं इसके आसपास आपको जरूर सारे पॉइंट्स देख लेने हैं, अपनी प्रिपरेशन को उन पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही फोकस रखिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है, रिविजन में आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।